तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एसटीपी प्रोटेक्शन के बारे में, ठीक है। तो एसटीपी प्रोटेक्शन में लाइक देखो, हम लोगों ने एसटीपी अभी हम लोग यूज़ कर रहे थे ना, बट एसटीपी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पे हमारे एसटीपी नेटवर्क में अटैक हो सकता है, ठीक है। तो उस अटैक से बचने के लिए हम लोग को डिस्कस करेंगे अभी एसटीपी प्रोटेक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ फीचर्स हैं अवेलेबल एसटीपी प्रोटेक्शन के, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे रूट गार्ड के बारे में, रूट गार्ड क्या है, लूप गार्ड, बीपीडीयू गार्ड, बीपीडीयू फिल्टर और यूडीएलडी। यूडीएलडी स्टैंड फॉर यूनिडायरेक्शनल लिंक डिटेक्शन, यूनिडायरेक्शनल लिंक डिटेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ एसटीपी के कुछ प्रोटेक्शन फीचर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रूट गार्ड के बारे में, रूट गार्ड क्या है, ठीक है। तो लाइक मैं वही टोपोलॉजी बना रहा हूँ जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लाइक स्विच वन, स्विच टू और स्विच थ्री, ठीक है। स्विच वन है, स्विच टू एंड स्विच थ्री। ये पोर्ट नंबर 0/1, 0/2, 0/1, 0/2, 0/1 एंड 0/2, ठीक। और रूट ब्रिज कौन बन जाएगा हमारा, स्विच वन रूट ब्रिज बना रहे थे ना हम लोग, ठीक है। तो ये दोनों पोर्ट क्या बन जाएंगे, डीपी, और ये वाला आरपी बना था, ये वाला भी आरपी, और ये डीपी, और ये क्या था, ब्लॉकिंग स्टेट में था, ठीक है। समझ में आ गई बात, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारे इस नेटवर्क में अटैक कैसे हो सकता है, वो बात करते हैं। फिर उस अटैक से बचने के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे रूट गार्ड क्या है, ठीक है। देखो रूट गार्ड से क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को, नाम से कैसे क्या पता चल रहा है कि ये हमारे रूट ब्रिज को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। अब हमारे नेटवर्क में अटैक कैसे हो सकता है पहले वो बात कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना कोई अटैकर आया अपना स्विच लेके, ये कोई स्विच फोर लेके आया, कौन, अटैकर। ये अटैकर है और इस अटैकर ने क्या किया, अपना स्विच जो है वो कनेक्ट कर लिया किससे, स्विच थ्री से, और ये अपनी प्रायोरिटी जो है वो लोअर करके लेके आ गया, प्रायोरिटी जीरो करके लेके आ गया, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है रूट ब्रिज की प्रायोरिटी क्या लोअर है, ठीक है। और इसने क्या किया, जो ये अटैकर आना ये काफ़ी ओल्ड स्विच उठा के लेके आया है, स्विच जितना ओल्ड होगा मैकेट्रोस उतना ही क्या होगा, लोअर होगा, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी जीरो है और इसका मैक एड्रेस क्या है, सबसे लोअर है ना। तो ये अपने आप को एज ए रूट ब्रिज अनाउंस करना स्टार्ट कर देगा ना, तो यहाँ से एक बीपीडीयू भेजेगा, ये भेजेगा या नहीं भेजेगा, इस स्विच की तरफ एक बीपीडीयू फॉरवर्ड करेगा, और ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा इसका, डीपी, और ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा, आरपी। अरे यही होगा ना, तो ये डीपी बन जाएगा पोर्ट, ये वाला पोर्ट बन जाएगा आरपी। इसको जैसे यहाँ पे बीपीडीयू रिसीव होगा, इसको अब इसके पास में एक बीपीडीयू रिसीव हुआ है विद लोअर ब्रिज आईडी, ठीक है। तो इसके लिए अटैकर ही क्या होगा, रूट ब्रिज होगा ना, तो ये क्या करेगा, ये इस वाले पोर्ट को क्या बना देगा, डीपी, और ये वाला पोर्ट भी क्या बना देगा, डीपी, और यहाँ से ये बीपीडीयू भेजना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, जो बीपीडीयू किस से रिसीव हो रहे हैं, अटैकर से रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। और ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा फिर, आरपी, और ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा, आरपी।
ये अपने आप को रूट ब्रिज अनाउंस करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, क्योंकि इसको एक सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव होगा ना, और इन दोनों में से एक पोर्ट डीपी बनेगा और एक पोर्ट आरपी, लाइक ये डीपी बन गया और ये क्या बन गया, सॉरी एक डीपी बनेगा और एक ब्लॉक होगा ना, तो ये वाला पोर्ट क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो अब इलेक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी, इस अटैकर के अकॉर्डिंग होगी ना इलेक्शन। ठीक है, अब लाइक यहाँ पे मेरे पास में कुछ यूज़र्स थे जिन्होंने एक दूसरे को क्या कर रहे थे, ये कम्युनिकेट कर रहे थे, तो पहले इनका कम्युनिकेशन यहाँ से हो रहा था, है ना, तो ये वाला पोर्ट अब क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अब ये वाला पोर्ट आपका डीपी बन गया ना यहाँ पे, अब ये वाले पोर्ट फॉरवर्डिंग में आने चाहिए ना, और ये वाले पोर्ट फॉरवर्डिंग में आने के लिए टाइम कितना लेंगे, अभी 30 सेकेंड लेंगे ना, तो 30 सेकेंड का आउटेज आएगा या नहीं आएगा, 30 सेकेंड का आउटेज आएगा, 30 सेकेंड होने वाले थे, तभी इसने क्या किया, अपने इस वाले पोर्ट को क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया। जैसे ये शट डाउन कर देगा, अब रूट ब्रिज कौन बन जाएगा वापस से, स्विच वन बन जाएगा ना, तो अब स्विच वन के अकॉर्डिंग इलेक्शन हो जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग ये पोर्ट वापस से क्या हो जाएंगे, ये दोनों डीपी, ये आरपी, ये आरपी, ये डीपी, और ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक। और ये पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में आने में कितना टाइम लेंगे, तो 30 सेकेंड के बाद में यहाँ से डेटा सेंड हो पाएगा ना, यहाँ पे कुछ यूज़र्स हैं हमारे पास में और यहाँ पे कुछ यूज़र्स हैं, समझ में आ रही है मेरी बात। और जैसे ही ये पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में आने वाले थे, 30 सेकेंड में इसने वापस से इस वाले पोर्ट को क्या कर दिया, अप कर दिया, ये अपने आप को वापस से एज ए रूट ब्रिज अनाउंस करना स्टार्ट कर देगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, सभी पोर्ट्स की इलेक्शन होगी। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग पोर्ट क्या होंगे, इलेक्ट हो जाएंगे, और पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में आने में कितना टाइम लेंगे, 30 सेकेंड। और जैसे ही वो 30 सेकेंड, जैसे ही वो फॉरवर्डिंग स्टेट में आने वाले होंगे, ये पोर्ट को वापस से क्या कर देगा, नो शट, है ना, तो वापस से इस रूट ब्रिज के अकॉर्डिंग इलेक्शन होगी, पोर्ट फिर से किस में आएंगे, फॉरवर्डिंग स्टेट में, इसके अकॉर्डिंग इलेक्शन होगी और पोर्ट किस में आएंगे, फॉरवर्डिंग स्टेट में। ठीक है, और जब तक पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में नहीं आएंगे, तब तक डेटा सेंड रिसीव हो ही नहीं पाएगा। और ये यही कर रहा है, हर 30 सेकेंड के बाद में क्या कर रहा है, पोर्ट को डाउन कर रहा है, पोर्ट को अप कर रहा है, पोर्ट डाउन, पोर्ट अप, इस तरह से कर रहा है। तो क्या होगा, अब कोई यूज़र डेटा सेंड रिसीव कर पाएंगे, कोई डेटा सेंड रिसीव कर ही नहीं पाएंगे, तो इस तरह से हमारे नेटवर्क में क्या हो गया, ये अटैक हो सकता है ना, समझ में आई मेरी बात। ठीक है, तो इस अटैक से बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रूट गार्ड। इस हमने अपने रूट को क्या करना है, रूट ब्रिज को क्या करना है, गार्ड करना है। अगर कोई और स्विच अपने आप को रूट ब्रिज अनाउंस कर रहा है ना, तो ये स्विच जो है ना, ये रूट ब्रिज ही रहना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो, ये अपना रोल नहीं छोड़ना चाहिए रूट ब्रिज का, बात आ रही है मेरी समझ में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इनेबल करते हैं क्या, रूट गार्ड, क्या इनेबल करेंगे हम लोग, रूट गार्ड। और जो हम लोग रूट गार्ड जो इनेबल करते हैं, वो इनेबल करते हैं ऑल डीपी पोर्ट के ऊपर, कहाँ पे, ऑल डीपी पे। एक तो ये डीपी है, इस पे आप इनेबल कर सकते हो, इस वाले डीपी पे इनेबल कर दोगे, और इस वाले डीपी पे क्या कर दोगे, ये आप इनेबल कर दोगे। रूट गार्ड हमेशा डीपी पोर्ट पे ही क्या होगा, इनेबल होगा। ठीक है, अमित कुमार, तो अब क्या होगा, हम लोग जितने भी हमारे डीपी पोर्ट होंगे यहाँ पे, उन सब पे क्या इनेबल कर देंगे, रूट गार्ड। और डीपी पोर्ट पे आप इनेबल करोगे, और वो डीपी जो ट्रंक पोर्ट है, रूट गार्ड जो आप इनेबल करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे इनेबल करेंगे हम लोग, ट्रंक पोर्ट पे इनेबल होता है रूट गार्ड, समझ में आ गई बात। एक्सेस पोर्ट पे कभी इनेबल नहीं होता, तो यहाँ पे तो इनेबल होगा नहीं, ये भी स्टार्टिंग में क्या बना होगा, एक्सेस बना हो सकता है ना हमारा, सॉरी अरे डीपी बना हो सकता है ना, ये एक्सेस पोर्ट होगा और डीपी पोर्ट बना हो सकता है ना, समझ में आई मेरी बात। तो जितने भी आपके ट्रंक पोर्ट हैं, जो डीपी पोर्ट है, उनके ऊपर हम लोग क्या इनेबल कर देंगे, रूट गार्ड इनेबल कर देंगे। रूट गार्ड इनेबल करने के बाद में अब देखो होगा क्या, अब जैसे ही ये स्विच, अटैकर स्विच अपने आप को क्या बोल रहा है, एज ए रूट ब्रिज अनाउंस कर रहा है, बीपीडीयू आएगा इसके पास में, ये वाला पोर्ट डीपी बन जाएगा और ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा, आरपी बन जाएगा। ठीक है, ये डीपी बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, डीपी बन जाएगा, ये बीपीडीयू आगे यहाँ से क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। और जैसे ही इन डीपी पोर्ट के ऊपर कोई बीपीडीयू रिसीव होता है, और उस डीपी पोर्ट के ऊपर अगर आप लोगों ने रूट गार्ड इनेबल किया हुआ है, वो पोर्ट आपका रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा, काइंड ऑफ एरर डिसेबल या फिर काइंड ऑफ ब्लॉकिंग स्टेट, समझ में आ रही है मेरी बात। जिस पोर्ट के ऊपर आपने क्या इनेबल किया हुआ है, रूट गार्ड इनेबल किया हुआ है, उस पोर्ट के ऊपर अगर जब भी कोई बीपीडीयू रिसीव होगा, वो पोर्ट किस में चला जाएगा, रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा। तो ये वाला पोर्ट और ये वाला पोर्ट किस में चला जाएगा, रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा ना। तो अब यहाँ से बीपीडीयू कोई रिसीव हो रहा होगा ना, ही कोई डेटा सेंटर रिसीव होगा ना, ही कोई बीपीडीयू रिसीव होगा, कोई कुछ नहीं होगा, रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा, बात आ रही है मेरी समझ में। ठीक है, तो अब रूट ब्रिज कौन रहेगा, यही रहेगा ना, और इस स्विच के लिए भी रूट ब्रिज कौन रहेगा, स्विच वन ही रहेगा। ठीक है,
इस स्विच के लिए तो अटैकर स्विच क्या बन जाएगा, स्विच थ्री के लिए अटैकर स्विच क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा। बट ये हमारी इतनी टोपोलॉजी, ये वाली टोपोलॉजी तो हमारी सिक्योर हो जाएगी ना। हो सकता था आगे और भी बहुत सारे स्विचेस कनेक्टेड हैं, ठीक है, उन सब के लिए तो यही हमारा रूट ब्रिज रहेगा। अरे बात आ रही है मेरी समझ में? यहाँ पे जो लैन यूज़र होंगे और यहाँ पे जो लैन यूज़र होंगे, ये यूज़र इनके साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट हमारी इतनी टोपोलॉजी तो क्या हो गई, सिक्योर हो गई ना। मतलब हमारा रूट ब्रिज क्या हो गया, सिक्योर हो गया। हमारा रूट ब्रिज अब रूट ब्रिज ही रहेगा, ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ ठीक है, इसको भी हम लोग सिक्योर करेंगे, इसको कैसे सिक्योर करते हैं वो भी बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ में आया? यदि हमारा स्विच वन का 01 पॉइंट पोर्ट डाउन हो जाए तब रूट ब्रिज यानी 2 और 3 मैच बनेगा कोई, क्यों उसका पोर्ट डाउन हो गया ना। याद नहीं है? ये इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज है, थोड़े टाइम के लिए तो बोलेगा अपने आप को ये, फिर उसके बाद में वापस से ये रूट ब्रिज नहीं रहेगा ना। अरे याद है ना वो 30 सेकंड का आउटेज आता था, कल की क्लास में क्लियर किया था ना मैंने, ठीक है। ये लिंक डाउन हो जाएगा अपने आप को एज ए रूट ब्रिज अनाउंस करेगा थोड़े टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने क्या इनेबल किया है, बैकबोन फास्ट। ये रूट लिंक क्वेरी भेजेगा, ये इसको रिस्पॉन्स देगा, ये इमीडिएटली बोल देगा तू रूट ब्रिज नहीं है। बात आ रही है मेरी समझ में? ठीक है, तो पढ़ के आना चाहिए लास्ट वाली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था। अरे बात आई इतनी समझ में? तो जिस पोर्ट के ऊपर आपने क्या इनेबल किया हुआ है, रूट गार्ड इनेबल किया हुआ है, उस पोर्ट पे अगर कोई बीपीडीयू रिसीव होगा तो वो पोर्ट आपका रूट इनकन्सिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। इसकी एक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या है तुम लोगों को याद होगा, लाइक ये मेरे पास में ये दो स्विचेज हैं, ठीक, स्विच वन और ये क्या है स्विच टू। विलेन वन के लिए मैंने इसको क्या बना दिया, रूट ब्रिज, तो ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा डीपी और ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा आरपी। बट विलेन टू के लिए मैंने इसको क्या बना दिया, रूट ब्रिज, तो अब विलेन टू के लिए ये वाला पोर्ट क्या बनेगा डीपी और ये वाला पोर्ट क्या बनेगा आरपी। मैंने यहाँ पे इनेबल कर रखा था क्या, रूट गार्ड इनेबल कर रखा था, ठीक है। तो अब ये यहाँ से बीपीडीयू, विलेन टू का तो बीपीडीयू भेजेगा ना, और जैसे यहाँ पे इसको विलेन टू का बीपीडीयू रिसीव होगा, अब कोई भी पोर्ट के ऊपर अगर आपने क्या इनेबल किया हुआ है, रूट गार्ड इनेबल किया हुआ है, उस पर जैसे ही कोई बीपीडीयू रिसीव होगा वो पोर्ट एरर आपका रूट इनकन्सिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा, काइंड ऑफ एरर डिसेबल में चला जाएगा। तो प्रॉब्लम है ना ये, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जिस भी पोर्ट के ऊपर आप रूट गार्ड इनेबल करते हो वो पोर्ट आपका सभी वीलैन के लिए क्या होना चाहिए, डीपी ही होना चाहिए, नॉन डीपी नहीं होना चाहिए। अगर नॉन डीपी होगा तो उसके ऊपर बीपीडीयू रिसीव हो जाएगा ना, पोर्ट किस में चला जाएगा। बात आ गई समझ में मेरी? तो रिक्वायरमेंट क्या है, अगर कोई जहाँ पे आप रूट गार्ड इनेबल करोगे वो वाला पोर्ट आपका क्या होना चाहिए, फॉर ऑल विलन वो क्या होना चाहिए, डीपी पोर्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसका इसमें क्या क्या फीचर है, ये रूट गार्ड में, रूट गार्ड से होगा क्या, जिस पोर्ट पे आपने रूट गार्ड इनेबल किया उस पर बीपीडीयू रिसीव होते ही, चाहे जिस मर्जी का बीपीडीयू, बीपीडीयू रिसीव होते ही उसको किस में डाल देगा, वो रूट इनकन्सिस्टेंट स्टेट में डाल देगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ये वाला पोर्ट आप, अगर आप यहाँ पे रूट गार्ड इनेबल कर रहे हो तो ये सभी विलन के लिए क्या होना चाहिए, रूट डीपी ही होना चाहिए, ठीक है। अगर एक विलन के लिए भी क्या बन रखा है, आरपी बन रखा है, तो यहाँ पे डीपी बन रखा होगा सामने वाला, ये बीपीडीयू भेज देगा और यहाँ पे बीपीडीयू रिसीव होती है, पोर्ट किस में चला जाएगा, रूट इनकन्सिस्टेंट स्टेट में। बात आ गई समझ में? तो ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पे रूट गार्ड, तो हम लोग ये रूट गार्ड का फीचर यूज़ कर सकते हैं हमारे रूट ब्रिज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर कोई अटैकर आएगा, अगर अटैकर बोलता है कि हाँ भाई मैं रूट ब्रिज हूँ, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे रूट ब्रिज पे, रूट ब्रिज ही हमारा रूट ब्रिज रहेगा, क्लियर है ये चीज़, इसमें किसी को कोई डाउट? तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली प्रूव करके देखेंगे, उससे पहले हम लोग बाकी फीचर्स देख अगर लेते हैं। रूट ब्रिज से ही अटैकर ने अपनी स्विच लगाई हाँ तो तब भी तो होगा, ये लो ये डीपी पोर्ट है ना, हाँ तो जैसे ही आप इस पे इनेबल कर रखा आपने डीपी पे, क्या बताया तो है मैंने डीपी पोर्ट पे क्या इनेबल करोगे, रूट गार्ड, तो बीपीडीयू आएगा तो ये एरर डिसेबल में चला जाएगा रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं लूप गार्ड की, लूप गार्ड क्या है और हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था एसटीपी किस लिए यूज़ होता है, लूप अवॉइडेंस के लिए यूज होता है ना। एस टी पी इनेबल होते हुए भी कई बार कुछ केसेस बन जाते हैं जिसमें लूप बनने के चांसेस हो जाते हैं, तो वो कौन कौन से केसेस बन सकते हैं लूप बनने के, वो बात करते हैं। एस टी पी इनेबल है स्टिल यहाँ पे लूप बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं वो बात कर लेते हैं।
जीरो बाई वन, जीरो बाई टू, जीरो बाई वन, जीरो बाई टू, जीरो बाई वन एंड जीरो बाई टू। ये डी पी है, डी पी, आर पी, आर पी, डी पी, और ये किस में है? ब्लॉकिंग स्टेट में। ठीक है, अब यहाँ पे लूप तो नहीं बन रहे ना अभी, अभी यहाँ पे कोई लूप बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। ठीक है, लेकिन लूप बनने के चांसेस कब बनेंगे? लाइक फॉर एग्जांपल स्विच वन में कोई आईओएस के अंदर इसके कोई बग आ गया, इसके कोई आईओएस में क्या हो गया? बग आ गया, जिसकी वजह से इसने बीपीडीयू भेजना क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसने बीपीडीयू भेजना क्या कर दिया? बंद कर दिया। आईओएस बग आ गया, हो सकता है ना। तो इसने यहाँ से इस वाले पोर्ट से बीपीडीयू भेजना क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब जैसे ही बीपीडीयू यहाँ पे भेजना बंद कर देगा, तो इस वाले पोर्ट पे अगर मैक्स एज टाइम तक कितना सेकंड होता है, अगर वो बीपीडीयू यहाँ पे रिसीव नहीं होगा, अगर 20 सेकंड के अंदर अंदर अगर यहाँ पे कोई बीपीडीयू रिसीव नहीं होगा इस वाले पोर्ट के ऊपर, तो ये अपना जो बीपीडीयू जो यहाँ पे रिसीव किया था इस वाले पोर्ट पे, उस बीपीडीयू को क्या कर देगा? एक्सपायर कर देगा ना। याद है ना, 20 सेकंड के बाद में उस बीपीडीयू को क्या कर देता है? एक्सपायर कर देता है। ये मैक्स एज टाइमर क्या था आपका? काइंड ऑफ होल्ड डाउन टाइम है ना। तो ये जो बीपीडीयू यहाँ पे सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव किया था, उसको 20 सेकंड के लिए होल्ड करके रखता है वो। अगर 20 सेकंड के अंदर अंदर अगर बीपीडीयू आते रहे तो अपना टाइम क्या करता रहेगा? वो रिसेट करता रहेगा। अगर बीपीडीयू नहीं आएगा 20 सेकंड के अंदर अंदर, तो ये इस बीपीडीयू को क्या कर देगा? एक्सपायर कर देगा। तो ये बीपीडीयू क्या हो गया? एक्सपायर हो गया यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे जो ये बीपीडीयू आ रहा है इसका, तो अब ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा? आरपी बन जाएगा ना। यहाँ पे तो कोई बीपीडीयू आ ही नहीं रहा। अरे बीपीडीयू से ही तो डिसाइड हो पाता था ना कौन सा पोर्ट आपका आरपी बनेगा, कौन सा पोर्ट आपका ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा, है ना, कौन से पोर्ट डीपी बनेंगे। तो यहाँ पे बीपीडीयू आ ही नहीं रहा, तो कैसे डिसाइड होगा ये आरपी बनेगा? ये आरपी रहेगा नहीं पोर्ट आपका, क्योंकि बीपीडीयू क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। अब यहाँ पे वो जो नया बीपीडीयू रिसीव हो रहा है स्विच यहाँ से भी, तो इस वाले ब्लॉकिंग पोर्ट पे भी तो बीपीडीयू रिसीव हो रहा था, तो ये वाला पोर्ट, ये वाला बीपीडीयू क्या हो जाएगा इसके लिए? सुपीरियर बीपीडीयू इस वाले पोर्ट के ऊपर, है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इसको सुपीरियर बीपीडीयू कौन से पोर्ट पे रिसीव हो रहा है? 0/1 पे ना। तो ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा? आरपी। और फिर वो किस में आएगा? पहले लिसनिंग स्टेट में, फिर किस में आएगा? लर्निंग स्टेट में, और फिर किस में आएगा? ये फॉरवर्डिंग स्टेट में। मतलब 30 सेकंड के बाद में ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा? आरपी बन जाएगा और फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा। और ये वाला पोर्ट क्या ब्लॉकिंग स्टेट में जाएगा? नहीं। ब्लॉकिंग स्टेट में कैसे जाता था? यहाँ पे भी बीपीडीयू आ रहा है, यहाँ पे भी बीपीडीयू आ रहा है, कौन से पोर्ट पे कम कॉस्ट रिसीव हो रही है, तब वो डिसाइड करता था ना। अब यहाँ पे तो बीपीडीयू आ ही नहीं रहा ना ये, तो ये इस वाले पोर्ट को क्या बना देगा? डीपी बना के एक बीपीडीयू सेंड करना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। ऑब्वियस ही बात है, इसको क्या बनाएगा फिर? वो डीपी ही तो बनाएगा ना। तो बीपीडीयू भेजना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे ये वाला पोर्ट हमेशा क्या रहेगा? ये जो रूट ब्रिज है उसके सारे पोर्ट हमेशा डीपी ही रहते हैं, तो ये अपनी स्टेट तो छोड़ेगा नहीं, ये तो क्या रहेगा? डीपी ही रहेगा। और ये वाला पोर्ट भी क्या बन गया? डीपी बन गया। मतलब 30 सेकंड के बाद में सारे के सारे पोर्ट किस में आ जाएगा? अब यहाँ पे कोई इस टोपोलॉजी में कोई पोर्ट आपका ब्लॉकिंग स्टेट में है क्या? नहीं है ना। सारे के सारे पोर्ट 30 सेकंड के बाद में क्या हो जाएंगे? फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएंगे। और अब हमारे पास में यहाँ पे कोई यूजर्स हैं, तो याद है ना मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे लूप कैसे बनेगा। अगर कोई यूजर ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट करेगा, तो इसकी कॉपी यहाँ पे भेजेगा। ये जो कॉपी यहाँ पे रिसीव हुई थी, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस तरह से हमारे इस टोपोलॉजी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। एसटीपी इनेबल होने के बाद में भी कुछ केसेस बन जाते हैं जिनकी वजह से लूप बन सकते हैं। तो इससे अब हमने क्या करना है? लेकिन जब S3 से कोई वो भेजेगा मैसेज, तो S1 एक्सेप्ट हो ही ना करेगा। कौन S3? हाँ स्विच 3। हाँ बोल। 0/2 पोर्ट से कुछ भेजेगा मैसेज तो? हाँ, तो ये बीपीडीयू भेज रहा है ना ये। हाँ तो ठीक है, ये तो डीपी रहेगा। हाँ डिस्कार्ड करता रहेगा, लेकिन ये डीपी तो रहेगा ना। लेकिन सर जब मैसेज भेजेगा तो वो भी डिस्कार्ड करेगा। कौन सा मैसेज? जब कुछ भी ट्रांसफर। क्यों भाई, क्यों क्यों डिस्कार्ड करेगा बता दे मुझे। पोर्ट आपके फॉरवर्डिंग स्टेट में है, कब डिस्कार्ड होते हैं हम डेटा आपका? जब पोर्ट क्या होगा? अरे फॉरवर्डिंग स्टेट में जो पोर्ट होते हैं उनसे डेटा सेंड रिसीव होता है ना। तो सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में है, डेटा सेंड रिसीव हो रहा होगा, क्या दिक्कत है? अरे समझ में आ रही है मेरी बात? सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में है, तो ऑब्वियस ही बात है डेटा सेंड रिसीव होगा ना। तो लूप बन जाएगा फिर। समझ में आ गई बात? इवन मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, लूप बनाऊंगा। ठीक है, फिर उसको हम लोग प्रोटेक्ट भी करेंगे।
तो अब इसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे एक फीचर है, लूप गार्ड। क्या फीचर है? लूप गार्ड। और लूप गार्ड हम लोग कहाँ पे इनेबल करेंगे? लूप गार्ड हम लोग इनेबल करते हैं ऑल नॉन डीपी पोर्ट के ऊपर। तो नॉन डीपी कौन कौन से हैं? जितने भी हमारे नॉन डीपी पोर्ट्स रहेंगे उनके ऊपर हम लोग क्या इनेबल कर देंगे? लूप गार्ड। लूप गार्ड इनेबल कर दिया तो ठीक है, हमारी ये टोपोलॉजी प्रॉपर चल रही थी, कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही थी, ठीक है। और हमने नॉन डीपी पोर्ट पे क्या इनेबल कर दिया? लूप गार्ड इनेबल कर दिया। अब अगर इसमें कोई आईओएस बग आया और इसने बीपीडीयू भेजना क्या किया? बंद कर दिया। तो ये अपना यहाँ पे जो इसको बीपीडीयू रिसीव हुआ था, यहाँ पे एक जो बीपीडीयू रिसीव हुआ था उसका मैक्स एज टाइमर स्टार्ट कर देगा ना, क्योंकि इसको यहाँ पे इस वाले पोर्ट पे अब बीपीडीयू रिसीव तो हो नहीं रहे, तो अपना मैक्स एज टाइमर स्टार्ट कर देगा, है ना। और 20 सेकंड के बाद में इस वाले बीपीडीयू को 0/2 पोर्ट पे जो बीपीडीयू रिसीव हुआ है उसको क्या कर देगा? एक्सपायर कर देगा। और ये इस वाले पोर्ट को क्या बना देगा? आरपी। इस वाले पोर्ट को क्या बना देगा? वो आरपी बना देगा ना, क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव होगा ना इस बार, इसको आरपी बना देगा। और ये इस वाले पोर्ट को अब क्या बनाएगा? डीपी। इस वाले पोर्ट को क्या बनाएगा ये? क्योंकि ये ब्लॉकिंग तो हो नहीं सकता, ये पोर्ट को क्या बनाएगा? डीपी। और यहाँ से बीपीडीयू सेंड करने की क्या करेगा? ट्राई करेगा, है ना। जिस पोर्ट के ऊपर लूप गार्ड इनेबल है उस पोर्ट से जब भी कोई बीपीडीयू क्या होगा? सेंड होगा, वो पोर्ट आपका लूप इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा, काइंड ऑफ एरर डिसेबल। तो ये पोर्ट किस में चला जाएगा? लूप इनकंसिस्टेंट स्टेट में। और जो पोर्ट आपका लूप इनकंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा वो ब्लॉकिंग ही होता है आपका, है ना, काइंड ऑफ एरर डिसेबल। तो उस पोर्ट से कोई डेटा सेंड रिसीव हो पाएगा? कभी डेटा सेंड रिसीव हो ही नहीं पाएगा। तो अब यहाँ पे लूप बनेंगे कोई? नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हम लोग सभी जितने भी हमारे नॉन डीपी पोर्ट हैं उनके ऊपर हम लोग हमेशा क्या इनेबल कर लेते हैं? लूप गार्ड इनेबल कर देते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो जिस वापस कैसे लेंगे? नॉर्मल ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो भी लेंगे। जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो इसको यहाँ पे बीपीडीयू जैसे रिसीव होगा, बीपीडीयू रिसीव होते ही ये पोर्ट नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। जैसे ही उस पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव होगा तो यहाँ पे सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव हुआ है ना, तो ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा? आरपी, और नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा आपका। समझ में आ गई बात? ऑटोमेटिक, ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो जितने भी नॉन डीपी रहेंगे उनके ऊपर हम लोग क्या इनेबल कर लेंगे? लूप गार्ड, ताकि लूप ना बने नेटवर्क के अंदर अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम आती है लूप्स की। क्लियर? और जैसे हम लोगों ने रूट गार्ड इनेबल किया था, वो फॉर ऑल जो पोर्ट था वो सभी विलेन के लिए क्या होना चाहिए था? डीपी होना चाहिए था। वैसे ही जिस पोर्ट पे आप लूप गार्ड इनेबल करोगे वो पोर्ट भी सभी विलेन के लिए क्या होना चाहिए? नॉन डीपी होना चाहिए। अगर किसी भी एक विलेन के लिए डीपी हुआ तो उस पोर्ट से बीपीडीयू सेंड करेगा ना वो, और जैसे ही उस पोर्ट से कोई पोर्ट से बीपीडीयू सेंड कर रहा है और वो पोर्ट पे क्या इनेबल्ड है? लूप गार्ड इनेबल है, वो पोर्ट किस में चला जाएगा? लूप इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा। क्लियर है ये चीज़ भी? तो ये जो लूप गार्ड और जो रूट गार्ड है वो हम लोग कहाँ पे इनेबल करेंगे? वो हम लोग इनेबल करते हैं ट्रंक पोर्ट्स के ऊपर। कौन से पोर्ट्स के ऊपर? देखो ये जो दोनों फीचर है हम लोग कौन से पोर्ट पे इनेबल करेंगे? ये तो हम लोग इनेबल करेंगे किसके ऊपर? डीपी के ऊपर। और ये हम लोग इनेबल करेंगे किस पे? नॉन डीपी के ऊपर। और ये दोनों पोर्ट क्या होने चाहिए आपके? ट्रंक पोर्ट पे इनेबल करते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? इसमें किसी को कोई डाउट? अब बात कर लेते हैं बीपीडीयू गार्ड की, कि बीपीडीयू गार्ड क्या है, ठीक है। देखो यार, बीपीडीयू गार्ड को भी समझ लेते हैं। ये हमारी टोपोलॉजी है सेम वही। ठीक, और यहाँ पे ना कुछ यूजर्स अटैच्ड हैं, कुछ यूजर्स अटैच्ड हैं हमारे कौन से पोर्ट्स के ऊपर? एक्सेस पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे कुछ यूजर्स अटैच्ड होंगे एक्सेस पोर्ट पे ना, जितने भी एक्सेस पोर्ट रहेंगे। और जो एक्सेस पोर्ट होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? डीपी ही रहते हैं, बताया था ना मैंने। जितने भी एक्सेस पोर्ट होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे? डीपी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है? प्रॉब्लम ये आ सकती है, लाइक यहाँ पे एक अटैकर है यहाँ पे जो कि एक कंप्यूटर पे बैठा है, और ये कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है? एक एक्सेस पोर्ट से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? एक्सेस पोर्ट से।
और ये अटैकर है, इसने कोई अपना एक प्रोग्राम बनाया। एसटीपी क्या, एसटीपी एक प्रोग्राम ही तो है ना। तो इसने भी अपना एक प्रोग्राम बनाया और उससे इसने बीपीडीयू भेजना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। बीपीडीयू भेजना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और उसमें ब्रिज आईडी लोअर लेके आ गया वो, उसने अपनी ब्रिज आईडी प्रायोरिटी कितनी भेज दी, प्रायोरिटी जीरो करके भेज दी। एक बीपीडीयू जनरेट कर दिया, एक एप्लीकेशन यूज़ करी, एक सॉफ्टवेयर बनाया अपना, और उस सॉफ्टवेयर से, अरे अटैकर है ना ये, अपना प्रोग्राम बना सकता ना ये, तो उसने एक एसटीपी का प्रोग्राम बनाया। और उसने क्या बनाया, इसने क्या किया, यहाँ से एक बीपीडीयू भेजना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और उसमें ब्रिज आईडी लोअर रख ली उसने, प्रायोरिटी जीरो रख ली। और जैसे यहाँ पे वो बीपीडीयू रिसीव होगा, ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा आरपी, और ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा डीपी, और ये वाले दोनों पोर्ट क्या बन जाएंगे फिर डीपी, और ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा फिर, और ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा। चलो ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे तो इनेबल किया हुआ था, क्या रूट गार्ड इनेबल किया हुआ था ना हम लोगों ने, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, पोर्ट दोनों किस में चले जाएंगे, रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में चले जाते थे ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, पहले ये स्विच में प्रॉब्लम आ रही थी ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस वाले पोर्ट पे हम लोग क्या इनेबल कर देंगे, मतलब इस वाले स्विच के लिए तो रूट ब्रिज ये बन जाएगा ना, समझ में आ रही है मेरी बात। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी हमारे एक्सेस पोर्ट होते हैं उसके ऊपर हम लोग क्या इनेबल कर देंगे, बीपीडीयू गार्ड। अगर कोई एक्सेस पोर्ट के ऊपर कोई बीपीडीयू रिसीव होता है, कोई भी एक्सेस पोर्ट के ऊपर अगर कोई बीपीडीयू रिसीव होता है और उस पोर्ट के ऊपर अगर हम लोगों ने बीपीडीयू गार्ड इनेबल किया हुआ है, इस पोर्ट पे हमने क्या इनेबल कर रखा है, बीपीडीयू गार्ड, और जैसे ही इस पोर्ट के ऊपर कोई बीपीडीयू रिसीव होगा, इस वाले पोर्ट को एरर डिसेबल स्टेट में डाल देगा। किस में डाल देगा, ये एरर डिसेबल स्टेट में डाल देगा। समझ में आई मेरी बात। और अब इस पोर्ट को नॉर्मल करना है, अगर आप लोगों ने रिकवर करना है तो क्या करना पड़ेगा, या फिर उस पोर्ट को क्या करोगे आप, शट नो शट करोगे, अदरवाइज आप क्या सेट करोगे, एक रिकवरी कमांड सेट करोगे पोर्ट को रिकवर करने के लिए। हम लोग देख लेंगे कैसे ऑटोमेटिक भी पोर्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। बात आ गई समझ में, क्लियर है ये चीज़। और हाँ, जिस पोर्ट के ऊपर बीपीडीयू गार्ड इनेबल किया हुआ ना, उस पर बीपीडीयू जैसे ही रिसीव होगा, पोर्ट आपका किस में चला जाएगा, एरर डिसेबल में। और हाँ, जिस पोर्ट पे बीपीडीयू गार्ड इनेबल किया हुआ है उस पोर्ट पे बीपीडीयू सेंड होते रहेंगे, क्योंकि वो पोर्ट क्या बने हुए हैं, डीपी पोर्ट बने हुए हैं, उनसे बीपीडीयू क्या होते रहेंगे, सेंड होते रहेंगे ना। समझ में आ रही है, जितने भी डीपी हैं उनसे बीपीडीयू तो जाएंगे ही जाएंगे हमेशा। क्लियर है ये चीज़। तो आप इस तरह से क्या यूज़ कर सकते हो, बीपीडीयू गार्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, बीपीडीयूज यहाँ पे स्विचेस के बीच में जाने चाहिए है ना, ये एंड यूज़र ये स्विच पीसीज की तरफ भी क्या भेज रहा है, एक्सेस पोर्ट से भी क्या भेज रहा है, ये बीपीडीयू भेज रहा है ना, कंप्यूटर एंड पे हमें क्या बीपीडीयू की जरूरत है, वहाँ पे कौन से लूप बनने हैं, वहाँ पे तो हमें बीपीडीयू की कोई जरूरत ही नहीं है, फालतू में ये बीपीडीयू भेज रहा होगा है ना। तो इसके लिए हमारे पास में एक और फीचर है अवेलेबल, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बीपीडीयू फिल्टर। हम लोग यहाँ पे बीपीडीयू फिल्टर भी क्या कर सकते हैं, इन सभी पोर्ट के ऊपर बीपीडीयू फिल्टर भी क्या कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। अब देखो, ये भी बीपीडीयू गार्ड की तरह काम करता है। मैंने अब इस वाले पोर्ट पे क्या इनेबल किया, जहाँ पे अटैकर कनेक्टेड है, बीपीडीयू फिल्टर इनेबल किया है। यहाँ पे अगर कोई बीपीडीयू रिसीव होगा ना, तो उस बीपीडीयू को सिंपली क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, पोर्ट को एरर डिसेबल में नहीं डालेगा, सिंपली बीपीडीयू उसको क्या करता रहेगा, डिस्कार्ड करता रहेगा, अगर किसी पोर्ट के ऊपर बीपीडीयू फिल्टर क्या है, इनेबल्ड है। और जिस पोर्ट पे बीपीडीयू फिल्टर इनेबल है, उस पोर्ट से वो बीपीडीयू को फिल्टर कर देगा, उस वाले पोर्ट से कभी भी बीपीडीयू ट्रांसमिट नहीं करेगा। जिस पोर्ट के ऊपर बीपीडीयू फिल्टर इनेबल है, उस पोर्ट से कभी भी बीपीडीयू ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो हर 2 सेकंड के बाद में इन एक्सेस पोर्ट के ऊपर कोई बीपीडीयू जाएंगे, तो इन लिंक के ऊपर कंजेशन होगा, कोई नहीं होगा ना। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बीपीडीयू गार्ड यूज़ करोगे या बीपीडीयू फिल्टर इनेबल करोगे, बीपीडीयू फिल्टर इनेबल करेंगे ना, ताकि इन लिंक के ऊपर कंजेशन भी ना हो। अगर कोई अटैकर आता भी है, अगर वो बीपीडीयू भेजता भी है, तो वो बीपीडीयू को सिंपली क्या करता रहेगा, डिस्कार्ड करता रहेगा, पोर्ट को एरर डिसेबल में नहीं डालेगा वो। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गई बात। अगर हम लोगों ने दोनों पोर्ट के, अगर हम लोगों ने कोई भी पोर्ट के एक्सेस पोर्ट के ऊपर बीपीडीयू गार्ड और बीपीडीयू फिल्टर दोनों इनेबल किए हैं, तो वहां पे प्रायोरिटी हाई किसकी रहेगी, बीपीडीयू फिल्टर की। बीपीडीयू फिल्टर काम कर रहा होगा, बीपीडीयू गार्ड काम नहीं करेगा, अगर दोनों इनेबल किया हुआ है। क्लियर है ये चीज। तो जितने भी हमारे एक्सेस पोर्ट्स हैं, ये हम लोगों ने कहाँ पे इनेबल किया था, ट्रंक पोर्ट के ऊपर। रूट गार्ड इनेबल किया हुआ था डीपी पे, लूप गार्ड इनेबल किया हुआ था नॉन डीपी के ऊपर, और जो बीपीडीयू गार्ड और बीपीडीयू जो फिल्टर है, ये हमने कहाँ पे इनेबल किया,
एक्सेस पोर्ट्स के ऊपर। तो एक्सेस पोर्ट पे हम लोग क्या इनेबल करते हैं, बीपीडीयू गार्ड और बीपीडीयू फिल्टर। तो इस तरह से हम लोग अपने नेटवर्क को क्या करवा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? अब बात कर लेते हैं यूडीएलडी की। यूडीएलडी क्या है? इसमें लिख लो यूडीएलडी में, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट यूनिडायरेक्शनल लिंक। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट यूनिडायरेक्शनल लिंक। समझ लेते हैं इसको, समझ लेंगे। अभी लिख लो इसमें, ये क्या एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। सिस्को प्रोप्राइटरी है, इट यूजेस मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। ये एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस यूज करता है, और कौन सा मैक एड्रेस यूज करता है, जो सी डी पी डी टी पी वी डी पी यूज करते हैं, और कौन सा था वो 01000 4C, है ना? और क्या था इसमें? इट इज यूज्ड फॉर फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए यूज होता है ये, ठीक है? समझ लेते हैं इसको। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे पास में यहाँ पे दो स्विचेस हैं, स्विच वन और स्विच, और इन स्विचेस के बीच में एक ये लिंक कनेक्टेड है। दो स्विचेस को जब भी हम लोग कनेक्ट करते हैं ना, नॉर्मली हम लोग अपलिंक पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। स्विचेस में दो टाइप के लिंक होते हैं, एक तो नॉर्मल पोर्ट होते हैं, लाइक ये अगर मेरे पास में कोई फास्ट इथरनेट स्विच है, कौन सा है, इस स्विच की बैंडविड्थ, इस स्विच की स्पीड कितनी है, 100 Mbps की होगी ना, तो इसके जितने भी पोर्ट रहेंगे वो कितने स्पीड के रहेंगे, 100 Mbps के रहेंगे। यहाँ पे यूजर्स अटैच्ड हैं हमारे, और यहाँ पे भी कुछ यूजर्स अटैच्ड हैं, ठीक। और ये जितने भी लिंक हैं हमारे वो फास्ट इथरनेट लिंक है, ठीक है। और अब इन दोनों के बीच में हम लोगों ने एक और लिंक यूज़ किया हुआ है इन दोनों स्विचेस को कनेक्ट करने के लिए। अगर मैं ये लिंक भी कितना कौन सा यूज़ करूँ, फास्ट इथरनेट लिंक यूज़ कर लेता हूँ 100 Mbps का, 100 Mbps के लिंक होते हैं ना, अगर फास्ट इथरनेट का स्विच है तो उस पर सारे जो पोर्ट होंगे वो कौन से होंगे, 100 Mbps के होंगे ना, ठीक है। तो अब अगर ये यूजर्स ने एक दूसरे को कम्युनिकेट करना है तो बैंडविड्थ कितनी मिलेगी, 100 Mbps की। ये भी एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे तो बैंडविड्थ इनको कितनी मिलेगी, 100 Mbps की। लाइक मेरे पास में यहाँ पे 10 यूज़र यहाँ पे और 10 यूज़र यहाँ पे हैं, अगर इन्होंने एक दूसरे को कम्युनिकेट करना हुआ तो इस लिंक पे डेटा जाएगा ना, तो बैंडविड्थ हर एक यूज़र को कितनी मिलेगी, 10 Mbps की, है ना। तो इस लिंक की बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो कभी भी हम लोग यहाँ पे दो स्विचेस को जब भी कनेक्ट करते हैं ना, ये नॉर्मल पोर्ट से नहीं कनेक्ट करते, होगा क्या, जितने भी हमारे जो फास्ट इथरनेट लिंक होते हैं ना, उनके ऊपर कुछ फाइबर ऑप्टिक के पोर्ट भी होते हैं। कौन से होते हैं? फाइबर ऑप्टिक के भी पोर्ट होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ से इसको एक फाइबर ऑप्टिक पोर्ट से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अलग से पोर्ट मिलेंगे आपको, दो या चार पोर्ट देखने को मिलेंगे फाइबर ऑप्टिक के स्विचेस के ऊपर आपको, और उन पोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपलिंक पोर्ट। क्या बोलते हैं? अपलिंक पोर्ट। और जो अपलिंक पोर्ट होते हैं वो नॉर्मल जो स्विच की जो बैंडविड्थ, जो नॉर्मल पोर्ट होते हैं ना स्विच पे, उनसे ज़्यादा बैंडविड्थ के होते हैं, या फिर ये या फिर क्या होगा, 1 Gbps का लिंक होगा, या फिर लाइक 10 Gbps के लिंक हो सकते हैं हमारे। अरे ये जो हमारे पोर्ट हैं, जो अपलिंक पोर्ट रहेंगे, फाइबर पोर्ट रहेंगे वो, ठीक है, लाइक 1 Gbps का लिंक है। अब अगर ये 10 यूज़र, अगर इन 10 यूज़र को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो इनको कितनी बैंडविड्थ मिलेगी, हर एक यूज़र को 100 Mbps की मिल जाएंगे ना, बात आ रही है मेरी समझ में। तो इसीलिए जो अपलिंक पोर्ट होते हैं ना, जो दो स्विचेस के बीच में हम लोग कनेक्ट करते हैं पोर्ट, नॉर्मली हम लोग अपलिंक पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, ताकि यूजर्स को, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, इसके ऊपर सभी यूजर का डेटा जा रहा होगा, तो इसके ऊपर बैंडविड्थ हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए ना,
क्लियर है ये चीज़। लेकिन अब जो ये जो आपका लिंक रहेगा वो कौन सा लिंक है, ये जो आपका केबल रहेगी वो फाइबर ऑप्टिक केबल रहेगी ना, अरे ऑप्टिक फाइबर बोल दो, फाइबर ऑप्टिक बोल दो एक ही बात है। तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल रहेगी। अब जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है ना वो किस तरह की होती है, ये एक ही केबल में ना, एक ही केबल में दो केबल जा रही होती है, और इस फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर जो सिग्नल ट्रेवल होते हैं ना वो लाइट्स के अंदर सिग्नल ट्रेवल करते हैं। इसमें दो केबल होगी, यहाँ पे एक पे डेटा क्या होगा ट्रांसमिट होगा और एक पे डेटा क्या होगा रिसीव होगा। तो इस फाइबर ऑप्टिक जो केबल है ना इसमें लाइट्स में सिग्नल ट्रेवल हो रहे होते हैं, लाइट्स में सिग्नल इस एक केबल से जा रहे होंगे और लाइट्स में सिग्नल दूसरी केबल से क्या हो रहे होंगे रिसीव हो रहे होंगे। जैसे हमारे पास में इथरनेट केबल होती है उसमें 8 केबल होती है ना, तो उसमें दो पे डेटा सेंड हो रहा होता है और दो पे डेटा क्या हो रहा होता है रिसीव हो रहा होता है। वैसे यहाँ पे इसमें दो केबल होती है, एक पे डेटा क्या हो रहा होगा ट्रांसमिट और एक पे डेटा क्या हो रहा होगा रिसीव हो रहा होगा। ठीक है, तो सिग्नल जो ट्रेवल होते हैं वो लाइट्स के अंदर सिग्नल ट्रेवल होते हैं। और इसके अंदर ना ग्लास की कोडिंग होती है, किसकी कोडिंग होती है ग्लास की कोडिंग। ये केबल बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव मतलब अगर इस केबल को मैं 90 डिग्री पे टर्न कर दूँ ना वो जो इसकी ग्लास की कोडिंग जो होती है ना वो ब्रेक हो जाती है और केबल आपकी क्या हो जाती है डैमेज हो जाती है। तो कई बार ये जो केबल है ना ये बहुत जल्दी यूनिडायरेक्शनल, देखो दो चीज़ें होती हैं जो हमारा लिंक जो होता है, एक तो होता है बाईडायरेक्शनल, बाईडायरेक्शनल वो होता है जिससे डेटा सेंड भी हो पाएगा और रिसीव भी हो पाएगा। यूनिडायरेक्शनल क्या होगा, या फिर डेटा सेंड हो रहा होगा या फिर डेटा रिसीव हो रहा होगा। तो अब हुआ क्या, ये फाइबर ऑप्टिक केबल है, एक सेंसिटिव केबल है काफ़ी, ठीक है, तो हो सकता है ना ये केबल क्या होगी डैमेज होगी ब्रेक होगी, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना। तो क्या अब ये यूज़र एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाएंगे, नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको पोर्ट अभी भी कैसे दिखा रहे होंगे, पोर्ट अभी भी आपको वो अप दिखा रहे होंगे, और आप देखोगे यार ये यूज़र आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कैसे सर्च करोगे, पोर्ट तो आपको अप दिखा रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। तो हम लोग यहाँ पे क्या इनेबल करेंगे, इस वाले पोर्ट पे और इस वाले पोर्ट पे हम लोग क्या इनेबल करेंगे, इन दोनों पोर्ट के ऊपर UDLD इनेबल करेंगे। और ये UDLD क्या करता है, ये UDLD यूनिडायरेक्शनल लिंक अगर आपका हो जाता है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। अगर ये लिंक क्या हो जाता है यूनिडायरेक्शनल, अगर ट्रांसमिट वाली या रिसीविंग वाली केबल क्या हो जाए ब्रेक हो जाए एक केबल इनमें से, अगर लिंक आपका यूनिडायरेक्शनल अगर दोनों ही ब्रेक होगी तो पोर्ट आपका डाउन दिखाई देगा। अगर एक केबल अगर आपकी ब्रेक होगी तो वो क्या दिखाना स्टार्ट कर देगा, वो इस लिंक को क्या डिटेक्ट कर लेगा, यूनिडायरेक्शनल डिटेक्ट कर लेगा। समझ में आ रही बात। अब इसके दो मोड होते हैं UDLD में, दो मोड होते हैं, एक होता है नॉर्मल मोड और एक होता है अग्रेसिव मोड। अगर मैंने यहाँ पे UDLD का मोड दोनों पे क्या इनेबल किया हुआ है, नॉर्मल मोड यूज़ किया हुआ है, और ये लिंक आपका हो जाता है यूनिडायरेक्शनल, तो ये स्विच कुछ नहीं करता, एक लॉग मैसेज जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, एक लॉग मैसेज जनरेट कर देगा कि हाँ भाई ये जो आपका लिंक है वो क्या हो चुका है यूनिडायरेक्शनल हो चुका है। सिर्फ एक सिंपल एक लॉग मैसेज जनरेट करेगा अगर आपने मोड कौन सा यूज़ किया हुआ है, नॉर्मल मोड यूज़ किया हुआ है। अगर आपने मोड यूज़ किया अग्रेसिव मोड, तो अगर आपका ये लिंक डिटेक्ट हो जाता है क्या यूनिडायरेक्शनल, तो ये इस लिंक को इस पोर्ट को एरर डिसेबल स्टेट में डाल देगा। क्या कर देगा, पोर्ट को एरर डिसेबल स्टेट में डाल देगा। नाम से पता चल रहा है ना अग्रेसिव है ना, अरे अग्रेसिव मोड है तो ऑब्वियस ही बात है उसको एरर डिसेबल स्टेट में डाल देगा सिंपली। अगर लिंक आपका क्या होगा यूनिडायरेक्शनल हो गया, अगर आपके पास में नॉर्मल मोड अगर आपने इनेबल किया है तो सिंपली एक लॉग मैसेज जनरेट करके आपको बताएगा कि ये लिंक आपका जो है वो क्या हो चुका है यूनिडायरेक्शनल हो चुका है, आप केबल चेंज कर लो। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये जो UDLD जो फीचर आया था वो किसके लिए आया था, फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए आया था। लेकिन ठीक है, ये जो इथरनेट केबल होती है ना, इथरनेट केबल में बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसको यूनिडायरेक्शनल होने के, अगर हम लोग जब तक उसको मैन्युअली उसको यूनिडायरेक्शनल ना बनाए। किसी ने जानबूझ के इस केबल को क्या कर दिया, जो ट्रांसमिट वाली केबल थी वो क्या कर दी, कट कर दी दोनों, तो लिंक क्या हो जाएगा यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा ना। उस केस में फिर आप इसको कैसे डिटेक्ट करोगे, तो फिर उस केस में हम लोग इथरनेट केबल पे भी उसको क्या कर सकते हैं, लिंक के ऊपर उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, पोर्ट पे अप्लाई कर सकते हैं इथरनेट पोर्ट पे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फाइबर ऑप्टिक पोर्ट पे ही आप इनेबल करो, लेकिन इसका फीचर, अरे ऑब्वियस ही बात है, हम लोग क्यों वहाँ पे उसको जानबूझ के उसको क्यों वहाँ पे उसको यूनिडायरेक्शनल बनाएंगे,
है ना, बट फीचर हमारे पास में अवेलेबल है, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब एक काम कर लेते हैं, अब इसको सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली प्रूव करके देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, रूट गार्ड, रूट गार्ड का प्रैक्टिकल देख लेते हैं। रूट गार्ड का प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करेंगे हम लोग, इसके लिए मैं ठीक है टोपोलॉजी बना लेता हूँ मैं एक, स्विच वन, स्विच टू एंड स्विच थ्री। लिंक कौन से यूज करोगे आप? जीरो बाय 21, जीरो बाय 24 और जीरो बाय 19। ठीक है, और स्विच वन को हम लोग क्या बना लेंगे, रूट ब्रिज बना लेंगे, और ये इसके दोनों पोर्ट क्या बन जाएंगे, डीपी, और ये वाला आरपी बना लेंगे, ये वाला आरपी बना लेंगे, इसको हम लोग क्या बना लेंगे, डीपी, और ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक। और यहाँ पे हम लोग अप्लाई करके देखेंगे उसको, अप्लाई कैसे करेंगे, लाइक इसको हम लोग रूट ब्रिज बना लेंगे, ये दोनों नॉन रूट ब्रिज होंगे, फिर इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इसको इसकी प्रायोरिटी हम लोग क्या कर देंगे, लोअर कर देंगे, तो इस पूरे नेटवर्क में ये स्विच क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा। फिर हम लोग अपने रूट ब्रिज को प्रोटेक्ट करने के लिए डीपी पोर्ट पे क्या इनेबल कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी रूट गार्ड इनेबल कर देंगे, और फिर इसकी प्रायोरिटी कम करके देखेंगे, तुम देखोगे इस वाले पोर्ट को वो किस में डाल देगा, रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में डाल देगा, तुम देखोगे रूट ब्रिज यही रहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो प्रूव हो जाएगा ना, समझ में आ रहे हैं? तो इस तरह से हम लोग इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। तो स्विचेस एक्सेस कर लेते हैं फिर हम लोग, स्विच वन, और एक काम करते हैं इसको पहले, रैक एक्सेस टू नहीं आ रहा क्या? ठीक है, तो एक बार कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, पिंग स्पेस 100.0.0.250 नंबर रैक है ना हमारा। ठीक है, तो अब एक काम कर लो, स्विच वन पहले एक्सेस कर लेते हैं हम लोग, स्विच वन क्लियर लाइन 37, होस्ट नेम स्विच वन, और इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/22, 20 ब्लॉक करने, और FA 1/0/22 to 24, इनको सबको क्या कर दो, शट डाउन। ठीक है, चलते हैं स्विच टू पे, उसने स्विच टू ना, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/19 to 20 ब्लॉक करने, और FA 1/0/22 to 23, इन सबको स्टेप डाउन कर देते हैं। ठीक, अभी आ जाओ आप स्विच थ्री पे,
इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/22 23 आई थिंक यहाँ पे 3/ है ना, ठीक। तो और हम लोग रूट ब्रिज बना लेते हैं किसको, स्विच वन को। तो स्विच वन पे मैं प्रायोरिटी सेट कर दूंगा 4096 है ना, तो ये क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा ना। अभी देख लेते हैं ये है या नहीं, शो स्पैनिंग ट्री। रूट ब्रिज ये नहीं है ना, नहीं। तो रूट ब्रिज हमने इसी को बनाने, तो कैसे बनाओगे, स्पैनिंग ट्री फॉर वी लैन वन प्रायोरिटी 4096। तो तुम देखोगे शो स्पैनिंग ट्री में ये स्विच क्या बन चुका है, रूट ब्रिज। इसके दोनों पोर्ट क्या बन गए, डीपी है ना। और स्विच टू पे चलो, शो स्पैनिंग ट्री, इसका एक पोर्ट आरपी होना चाहिए था और एक डीपी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, समझ में आ गई मेरी बात, यही है ना, एक आरपी, कौन सा आरपी है, 21 आरपी और 24 क्या है, डीपी। और स्विच थ्री पे चलो, शो स्पैनिंग ट्री, एक पोर्ट आपका डी आरपी और दूसरा क्या है, ब्लॉकिंग स्टेट में। स्विच थ्री को हम लोग अटैकर मान के चलते हैं, और इस अटैकर ने क्या किया, अपनी प्रायोरिटी वो क्या करके लेके आ गया, जीरो करके लेके आ गया। तो अब क्या होगा, अब इस स्विच के अकॉर्डिंग क्या होगा, पूरी टोपोलॉजी चेंज हो जाएगी ना। अब देखना स्विच वन रूट ब्रिज रहेगा क्या, क्या स्विच वन रूट ब्रिज है, नहीं है ना। इसका एक पोर्ट आरपी बन गया, और देखना यहाँ पे स्विच टू पे शो स्पैनिंग ट्री, इसका ये वाला पोर्ट क्या हो गया, ब्लॉक हो गया ना, तो प्रॉब्लम आएगी ना ये। तो ऐसी प्रॉब्लम आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए ना, अटैकर अटैक ना कर पाइए। तो मैं इसको हटा दूं पहले। अब स्विच वन ही क्या है हमारा, रूट ब्रिज है ना, शो स्पैनिंग ट्री, ये वेट करेगा जो उसको 20 सेकंड का, तुम देखोगे ये स्विच क्या बन गया, वापस से रूट ब्रिज बन गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी डीपी पोर्ट हैं उनके ऊपर हम लोग क्या इनेबल कर देंगे, रूट गार्ड। तो रूट गार्ड किन किन पोर्ट पे इनेबल करना है, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/22 एक तो 2119 पे और एफ ए 1/0/21 पे, स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट, ये कमांड चलेंगे, स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट। और ये लॉग मैसेज भी जनरेट कर दिया, ये बता भी रहा है कि हाँ भाई आपने यहाँ पे इन दोनों पोर्ट पे रूट गार्ड क्या कर दिया, इनेबल्ड कर दिया, ठीक। रूट गार्ड अब इनेबल किया हुआ इन दोनों पोर्ट पे, और स्विच टू के एक पोर्ट पे भी इनेबल कर दें इस पे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/24 स्पैनिंग ट्री क्या बोल दोगे, गार्ड रूट इनेबल्ड। इतनी बात आई समझ में, अब एक काम करते हैं, अब ये आया अटैकर, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रंक पोर्ट पे इनेबल करेंगे उनको, ठीक है। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्विच थ्री के ऊपर, मैं स्पैनिंग ट्री क्या बोल रहा हूँ, विलेन वन के लिए मैंने प्रायोरिटी कितनी कर दी, जीरो। आइए अपने आपको क्या बोलेगा, मैं क्या हूँ, मैं रूट ब्रिज हूँ। जैसे इसने अपने आपको रूट ब्रिज अनाउंस किया, तो डीपी पोर्ट पे यहाँ पे क्या रिसीव होंगे, बीपीडीयू, और बीपीडीयू जैसे ही रिसीव हुआ, इसने 19 नंबर पोर्ट के ऊपर इसको रिसीव हुआ ना स्विच वन को, तो इसने देखना इसको किस में डाल दिया, और स्विच टू पे आना ये देखना 24 पोर्ट को किस में डाल दिया, है ना। इवन ये लो शो स्पैनिंग ट्री, ये क्या बता रहे हैं, देखना स्विच वन पे भी शो स्पैनिंग ट्री, ये देखना, और ये देखना रूट ब्रिज कौन है अभी, तो हमारा रूट ब्रिज गार्ड हो गया ना, प्रोटेक्ट हो गया ये। और जैसे ही आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, जैसे ही इस अटैकर को आपने यहाँ से हटाया, यहाँ पे बीपीडीयू रिसीव होना क्या हो जाएगा, बंद, शो स्पैनिंग ट्री, वेट करो। अरे जैसे यहाँ पे बीपीडीयू क्या होगा,
रिसीव होना क्या होगा, बंद होगा। तो देखना वापस से पोर्ट को शो स्पेनिंग ट्री, अनब्लॉक कर दिया उसने, इवन यहाँ पे लोग मैसेज भी जनरेट किया इसने, इस पर ऑलरेडी कर ही दिया। अरे वो स्विच वन पे देख रहे थे क्या, टू पे देखना शो स्पेनिंग ट्री। जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी ऑटोमेटिक पोर्ट को क्या कर देगा, नॉर्मल स्टेट में ले आएगा, पोर्ट को ऑटोमेटिक रिकवर कर देगा। बात आ गई समझ में? ठीक है, इतना इतनी चीज़ क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, लूप गार्ड की। ये लो यार ट्रंक बना लो, ये विलन वन एक ही है ना, तो ट्रंक की जरूरत क्या है हमें? अरे एक ही तो विलन है, बाकियों के लिए तो हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे अभी, समझ रहे हो? इसके ऊपर नेटिव विलन का डेटा तो चला ही जाएगा, बाकी विलन के बीपीडीयू नहीं जाएंगे। कौन से विलन के, विलन टू थ्री फोर इनके नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके जब भी जाएंगे तो क्या क्या लग के जाना चाहिए, एक टैग लग के जाना चाहिए ना, पता कैसे चलेगा सामने वाले को, है ना? तो वहाँ पे एक विलन तो नहीं होगा ना। ओके काफ़ी सारे विलन होंगे ना हमारे नेटवर्क में। तो अब एक काम कर लेते हैं, अब हम लोग बात कर रहे थे कि इसकी लूप गार्ड की। लूप गार्ड को मैंने बताया था कि जैसे लूप कैसे बन सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे अगर स्विच वन में कोई आईएस बग आ जाता है तो यहाँ से बीपीडीयू भेजना क्या कर देगा, बंद कर देगा, और ये इस बीपीडीयू को 20 सेकंड के बाद में क्या कर देगा, एक्सपायर कर देगा, और ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा, नया आरपी, और इस वाले पोर्ट को डीपी बना के यहाँ से बीपीडीयू भेजना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, और ये क्या बन जाएगा, डीपी 30 सेकंड के बाद में ये भी फॉरवर्डिंग स्टेट में, 30 सेकंड के बाद में ये भी फॉरवर्डिंग स्टेट में, ये डीपी ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या रूट ब्रिज है ना। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे प्रूव करेंगे, मैंने अभी तुम लोगों को एक बीपीडीयू फिल्टर बताया था ना, याद है? बीपीडीयू फिल्टर से क्या होगा, अगर मैं कोई पोर्ट पे बीपीडीयू फिल्टर इनेबल कर दूं तो बीपीडीयू भेजना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो इस बात को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे बीपीडीयू फिल्टर इनेबल कर देता हूँ, मैं जैसे इस पोर्ट पे बीपीडीयू फिल्टर इनेबल करूंगा, बीपीडीयू फिल्टर इनेबल करते ही इस पोर्ट से बीपीडीयू भेजना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो यहाँ पे लूप बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, बनने चाहिए ना। तो मैं स्विच वन पे आया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/19 नंबर पोर्ट पे गया, और मैंने बोला स्पेनिंग ट्री बीपीडीयू फिल्टर इनेबल। मैंने जैसे ही यहाँ पे ये बीपीडीयू फिल्टर इनेबल किया, 20 सेकंड का वेट कर लो, 20 सेकंड के बाद में देखना यहाँ पे अभी स्विच थ्री पे देखना क्या होगा, शो स्पेनिंग ट्री, ये वाला पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव होना बंद हो गए, 20 सेकंड बाद में इस बीपीडीयू को क्या कर देगा, इस पोर्ट पे जो रिसीव है उसको एक्सपायर। तो ये वाला पोर्ट क्या बन गया, नया रूट किस में आ गया, लिसनिंग में, और ये क्या बन गया, डीपी किस में है, ये फॉरवर्डिंग स्टेट में। तो अभी थोड़े टाइम बाद में ये 24 किस में आ जाएगा, लर्निंग से फॉरवर्डिंग स्टेट में, देखना। फॉरवर्डिंग में आ गया, और स्विच वन पे चलना, शो स्पेनिंग ट्री, ये सारे के सारे पोर्ट किस में है, फॉरवर्डिंग स्टेट में, और स्विच टू पे चलना, शो स्पेनिंग ट्री, ये सारे के सारे पोर्ट किस में दिखा रहे हैं, फॉरवर्डिंग स्टेट में। अरे बात आई मेरी समझ में? और देखना यहाँ पे, और मैंने उस दिन बताया था ना, जब आपको मैक फ्लैप दिखाएगा तो क्या बनेगा, लूप, लूप बन रहा है। ये यहाँ से क्या कर रहा है, एक बीपीडीयू भेज रहा है यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो बीपीडीयू में सोर्स मैग्नेटिक स्विच का लग के जाएगा ना, तो कभी वो इस वाले इंटरफेस पे लर्न करेगा, जैसे वो बीपीडीयू यहाँ पे आएगा घूम के इस वाले इंटरफेस पे लर्न करेगा, ब्रोकिंग पोर्ट तो है ही नहीं। और अगर मेरे पास में यहाँ पे यूजर्स भी है अटैच्ड यहाँ पे, ये अगर ये कोई ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट करेगा, फ्रेम आया इसके पास में, इसकी दोनों कॉपी इधर भेज देगा ना, लूप बन जाएगा ना। अरे मैक फ्लैप बताया था ना, और जब मैक फ्लैप होता है तो क्या होता है, लूप बनता है ना। तो देख लो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बताया था ना एक मैक एड्रेस, देखना ये जो मैक एड्रेस है ना, ये इसने कौन से पोर्ट पे लर्न किया था। अरे मैक ये फ्लैप हो रहा है, देखना पहले 21 पोर्ट से किस पे, इस पे आया है ना। अरे मैक फ्लैप हो रहा है ना, तो बस ठीक है, फिर इन दोनों पोर्ट के बीच में मैक क्या हो रहा है, फ्लैपिंग,
ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है ना, ये तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक काम कर लेते हैं, फिर स्विच वन पे जाता हूँ, और स्विच वन पे जाके मैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/19 पे जाके मैं वापस से इसको डिसेबल कर दूँ, तो यहाँ पे नो कमांड नहीं चलेगी, यहाँ पे डिसेबल कमांड चलती है। मैंने इसको क्या कर दिया, डिसेबल। तो वापस से इसको यहाँ पे क्या रिसीव हो जाएगा, एक सुपीरियर बीपीडी, तो ये क्या बन जाएगा, नया आरपी, और ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक। ऑब्वियस ही बात है ना, यहाँ पे सुपीरियर कॉस्ट कम आ रही है ना, यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, तो ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा, आरपी, और नीचे वाला पोर्ट क्या हो जाएगा, ब्लॉक। देख लेते हैं, अभी बता भी देगा ये, देखना यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री, देखना ये वाला पोर्ट वापस से क्या बन गया, आरपी, और ये क्या हो गया, ब्लॉक। अब यहाँ पे मैक फ्लैप हो रहे हैं, कोई लॉग मैसेज जनरेट कर रहा है मैक फ्लैपिंग का, नहीं कर रहा ना। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब क्या इनेबल करेंगे, लूप गार्ड। तो लूप गार्ड हम लोग इन किन पोर्ट पे इनेबल करते हैं, ऑल नॉन डीपी पे। तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/19 पे कोमा एफए 1/0/24 पे, ये 3/0 है, आप क्या बोलोगे यहाँ पे, स्पैनिंग ट्री गार्ड लूप, ठीक है। स्विच वन पे भी इनेबल कर सकते हो आप, रूट पोर्ट पे, स्विच वन पे भी क्या कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो ना, बट उधर तो इनेबल करने का, अब हमने प्रॉब्लम इधर डाली हुई है ना। चलो ये लो कर देता हूँ इस पे भी, स्विच टू पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/ मैं वन बोल रहा था क्या, स्विच, हाँ तो स्विच टू पे है ना, आरपी पोर्ट पे इनेबल करेंगे ना, तो तुम लोग समझ गए हो, इंटेलिजेंट हो गए हो। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 21 पे ना, तो इस पे क्या इनेबल करोगे, 1/0/21 पे ना, अरे मैंने क्या बोला ये, अरे यार, स्पैनिंग ट्री गार्ड लूप, क्या करते हो तुम लोग, इतनी छोटी छोटी गलतियां करते रहते हो। ठीक है, इनेबल कर दिया सभी नॉन डीपी पोर्ट के ऊपर। तो अब मैं वापस एक काम करता हूँ, मैं स्विच वन पे चलता हूँ, मैं स्विच वन पे गया, और स्विच वन पे जाके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/ कौन सा पोर्ट था वो, 19 पे, मैं इस पे बोलता हूँ स्पैनिंग ट्री BPDU फिल्टर, मैंने क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। और इस बार क्या होगा, इसको यहाँ पे BPDU रिसीव होगा नहीं मैक्स इस टाइम तक, तो ये वाला पोर्ट नया क्या बन जाएगा, RP, और इस वाले पोर्ट को जैसे ही DP बना के BPDU सेंड करने की ट्राई करेगा, जिस पोर्ट पे लूप गार्ड इनेबल्ड है उस पोर्ट से जब भी कोई BPDU क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, पोर्ट किस में चला जाएगा, लूप इनकन्सिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं, देखना शो स्पैनिंग ट्री, देखना। तो अब यहाँ पे देखना लूप बन रहे हैं, मैक फ्लैपिंग हो रही है, नहीं ना, एक सेम मैक एड्रेस घूम के कोई दूसरे पोर्ट पे रिसीव हो रहे हैं, नहीं, कोई सेम फ्रेम, बात आ रही है मेरी समझ में, नहीं हो रही ना, क्लियर है ये चीज़। और जैसे ही ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी, देखना इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/19 पोर्ट पे गया मैं, और मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, स्पैनिंग ट्री गार्ड BPDU फिल्टर डिसेबल। मैं जैसे ही करता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व, एक नया इसको यहाँ पे BPDU क्या हो जाएगा, रिसीव, और BPDU रिसीव होते ही देखना, पोर्ट अनब्लॉक, प्रॉब्लम सॉल्व। अब लूप बनेंगे नहीं, नहीं बनेंगे ना, बात आ गई समझ में, पक्का, ठीक। अब बात करते हैं BPDU गार्ड की, कि BPDU गार्ड कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इनेबल करेंगे। मैं ये तीन स्विचेस ले रहा हूँ, ठीक है, ये दो स्विचेस हैं मान के चल लेते हैं, ठीक, या फिर ये लो दो स्विच में कर लेते हैं, ये स्विच वन और टू में, ठीक है,
ये हमारे पास में स्विच वन है और ये हमारे पास में स्विच क्या है, टू है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, रूट ब्रिज है, ठीक है। तो ये वाला पोर्ट क्या होगा, डीपी, और ये वाला पोर्ट क्या होगा, आरपी, है ना। इस स्विच को ना, इस ये पोर्ट हमारा क्या है, एक्सेस पोर्ट है, क्या ये एक्सेस पोर्ट है ना, डीपी पोर्ट है ना। इसको मैं मान के चल रहा हूँ ये कोई अटैकर है, ये कोई यूज़र जो है ना, ये स्विच टू जो है ना वो कोई अटैकर है, वो कोई एंड यूज़र कनेक्टेड है, और इस एक्सेस पोर्ट पे क्या कनेक्टेड है, इसको भूल जाओ अभी के लिए, आरपी तो होगा नहीं ना वो सामने वाला, है ना। तो ये मान लो कि हमारे पास में क्या है, ये कोई अटैकर है, कोई कोई कंप्यूटर अटैच है किस पे, एक्सेस पोर्ट के ऊपर। और जैसे ये कोई बीपीडी यहाँ से भेजेगा, ये पोर्ट किस में चला जाएगा, मैं यहाँ पे क्या इनेबल करूँगा, बीपीडी कार्ड। और जैसे यहाँ पे कोई बीपीडी रिसीव होगा तो ये पोर्ट किस में चला जाएगा, एरर डिसेबल स्टेट में। तो मैं इसलिए इसकी प्रायोरिटी लोअर करके भेज दूंगा, तो प्रूफ हो जाएगा ना ये, तो देख लें इसको। तो मैं स्विच थ्री को मैं हटा रहा हूँ, और पोर्ट नंबर कौन सा नहीं चाहिए हमें, 1/0 बाई कौन सा नहीं चाहिए, 19 नहीं चाहिए, यहाँ पे 20 तो है ही नहीं इस पे। स्विच टू पे हमें कौन सा नहीं चाहिए, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/24 भी हमें नहीं चाहिए। तो अब इनके बीच में कौन सा पोर्ट है, ये 21 पोर्ट है सिर्फ, ठीक है। और वो मैंने डिसेबल कर दिया क्या सब कुछ, ठीक है। स्विच थ्री तो हमारे पास में है ही नहीं। शो स्पेनिंग ट्री, देखना ये क्या बना हुआ है, रूट ब्रिज, इसका ये वाला पोर्ट क्या बना हुआ है, डीपी, है ना। ये समझ लो सामने जो स्विच टू है ना वो क्या है, हमारा कोई एंड यूज़र कनेक्टेड है और एक्सेस पोर्ट के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे कोई वो बीपीडीओ क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा, ये पोर्ट किस में चला जाए आपका, एरर डिसेबल में ना। तो इस वाले पोर्ट पे हम लोग क्या इनेबल करेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 पे क्या इनेबल करोगे, स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड इनेबल कमांड चलेगी यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं काम करता हूँ, अब मैं स्विच टू पे जाता हूँ, और स्विच टू पे जाके मैं क्या करता हूँ, स्पैनिंग ट्री फॉर विलन वन प्रायोरिटी जीरो करके मैं बीपीडीयू भेज दूँ। मैं जैसे ही बीपीडीयू भेजेगा ये स्विच, यहाँ पे जैसे कोई बीपीडीयू रिसीव होगा, देखना किस में चला गया, एरर डिसेबल में, देख सकते हो, शो इंटरफेस स्टेटस एरर डिसेबल, पोर्ट किस में है, ये एरर डिसेबल में है, और किस रीजन से गया है, बीपीडीयू गार्ड की वजह से गया है। तो इसको हम लोग क्या कर लें, पोर्ट को ऑटोमेटिक रिकवर भी कर सकते हैं ना। तो कैसे रिकवर करोगे पोर्ट को, एक रिकवरी कमांड सेट कर सकते हो, कैसे सेट करें रिकवरी कमांड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया मैं, और मैंने क्या बोला, एरर डिसेबल कॉज रिकवरी कॉज, किस रीजन से पोर्ट आपका एरर डिसेबल में जा रहा है जिसको आपने रिकवर करना है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे पास में यहाँ पे ना, बीपीडीयू गार्ड है ना यहाँ पे, अरे मिसमैच सा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि फ़ॉन्ट साइज बड़ा है ना। ये चैनल मिसकॉन्फ़िगरेशन गार्ड की वजह से जा सकता है, DHCP रेट लिमिट की वजह से जा सकता है, DTP फ्लैप की वजह भी जा सकता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑल बोल दूँ, कोई भी रीजन से अगर बीपीडीयू ये पोर्ट किस में जा रहा है, एरर डिसेबल में जा रहा है, उसको क्या कर दे, एरर डिसेबल से रिकवर कर दे एक टाइम इंटरवल के बाद में, कितने टाइम के बाद में, मैंने बोल दिया 30 सेकंड के बाद में, क्या कर दे उसको, ये टाइम है हमारे पास में, ये टाइम डिफाइन कर सकते हो। तो इतने टाइम के बाद में ऑटोमेटिक पोर्ट को क्या कर देगा, वो जो भी यहाँ पे आप टाइम डिफाइन करोगे उस टाइम के बाद में ऑटोमेटिक पोर्ट को क्या कर देगा, रिकवर कर देगा। तो देखना मैं यहाँ पे बोलता हूँ शो स्पेनिंग ट्री, सॉरी शो इंटरफेस स्टेटस एरर डिसेबल, है ना, और शो एरर डिसेबल रिकवरी, किस किस के लिए आपने रिकवरी करी हुई है, सभी के लिए ना। और देखना कितने सेकंड बचे हैं, 6 सेकंड के बाद में उसने उसको अटेम्प्ट किया रिकवर करने के लिए, रिकवर किया ना, लेकिन रिकवर करते ही एक और बीपीडीयू रिसीव हुआ, क्योंकि वो अभी भी क्या बना हुआ है, अटैकर है ना, वहाँ पे वापिस से पोर्ट को किस में डाल दिया, एरर डिसेबल में, देखना वापिस से एरर डिसेबल में। अब रिकवरी देखना, अब 14 सेकंड बचे हैं, 14 सेकंड के बाद में फिर से ये अटेम्प्ट मारेगा एक, किसको, इसने क्या करना है, ये क्या करेगा, इसको रिकवर करने की ट्राई करेगा, देखना 14 सेकंड के बाद में फिर से एक अटेम्प्ट करेगा ये, इसको पोर्ट को क्या करेगा, रिकवर करेगा, और रिकवर हो जाएगा, बट जैसे ही नेक्स्ट कोई बीपीडीयू रिसीव होगा उसको क्या कर देगा, वो वापस से
देखना, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हम लोग रिकवरी कमांड भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और जैसे ही ये सामने प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी, स्विच टू पे चलो इंटरफेस, सॉरी स्पेनिंग ट्री में जाके मैंने इसकी प्रायोरिटी क्या कर दी, हटा दी मैंने उस अटैकर को, हटा दिया। तो अब देखना एक सेकंड के बाद में, तो देख लो अभी मैसेज आने वाला है अटेम्प्टिंग टू रिकवर, और पोर्ट आपका किस में हो गया, वापस से एरर डिसेबल में डाल दिया। वापस से एरर डिसेबल में किस लिए डाल दिया, क्योंकि पोर्ट जैसे ही ये वापस से अप आएगा, अप आती दोनों स्विचेस स्टार्टिंग में, तो अपने आप को क्या बोलेंगे, रूट ब्रिज बोलेंगे ना। अरे समझ में आ रही है मेरी बात, स्टार्टिंग में तो एक दूसरे को रूट ब्रिज बोलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ये पोर्ट किस में है, एरर डिसेबल में है ना। तो जैसे ही पोर्ट आपका रिकवर होगा, ये पोर्ट यहाँ से अप आएगा, अब आते ये भी अपने आपको एज ए रूट ब्रिज बोल रहा है, ये भी अपने आपको रूट ब्रिज, दोनों बीपीडी भेजेंगे, और जैसे यहाँ पे बीपीडी रिसीव होगा वापस से किसमें चला जाएगा, एरर डिसेबल में। अगर नॉर्मल कोई स्विच, कोई अटैकर बैठा हुआ था, वो स्विच हम लोग वो यूजर को हम लोग वहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। समझ में आ गई बात। तो अब इसको हटा दूँ मैं बीपीडी, कौन सा पोर्ट पे इनेबल किया था, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 पे है ना, इसको क्या बोल दो डिसेबल। तो इस तरह से आप इनेबल कर सकते हो क्या, बीपीडीयू गार्ड, और बीपीडीयू फिल्टर तो प्रूव हो ही गया। बीपीडीयू फिल्टर हम लोगों ने इनेबल किया था ना, बीपीडीयू भेजने बंद कर दिए थे, और बीपीडीयू रिसीव कर रहा था, बट पोर्ट आपका डिसेबल स्टेट में नहीं जा रहा था ना, एरर डिसेबल में। उसका तो प्रैक्टिकल दिखाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो प्रूव हो ही गया ऑटोमेटिक ही है ना। ओके एक और चीज़ अभी मेरे दिमाग में चल रही थी, क्या बताना था, अरे UDLD तो बतानी है। हाँ, जो तुम लोग ये BPDU गार्ड और BPDU फिल्टर कौन से पोर्ट पे इनेबल करोगे, एक्सेस पोर्ट पे ना। तो अब एक एक पोर्ट पे जाके थोड़ा ना इनेबल करेंगे हम लोग, एक एक पोर्ट पे जाके थोड़ा ना इनेबल करोगे आप, सभी एक्सेस पोर्ट पे ऑटोमेट, सभी एक्सेस पोर्ट पे हम लोग ग्लोबली भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, स्पेनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, एक डिफॉल्ट कमांड चलती है, तो सभी एक्सेस पोर्ट पे क्या इनेबल हो जाएगा, पोर्ट फास्ट। देखना शो स्पेनिंग ट्री में पोर्ट फास्ट इनेबल हो गया ना, सभी सभी एक्सेस पोर्ट के ऊपर, सभी एक्सेस पोर्ट पे पोर्ट फास्ट क्या हो गया, इनेबल। तो अब अगर आप लोगों ने ग्लोबली जिन जिन पोर्ट के ऊपर पोर्ट फास्ट इनेबल्ड है, उन उन पोर्ट पे ये क्या इनेबल कर दे, बीपीडीयू गार्ड या बीपीडीयू फिल्टर। तो क्या बोलोगे, स्पेनिंग ट्री बीपीडीयू पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट बीपीडीयू गार्ड या बीपीडीयू फिल्टर, और आगे डिफॉल्ट, ये कमांड चला दो। अब ये क्या करेगा, जिनके ऊपर पोर्ट फास्ट इनेबल्ड है, उन सभी पोर्ट पे क्या इनेबल कर देगा, बीपीडीयू गार्ड या बीपीडीयू फिल्टर, और पोर्ट फास्ट इनेबल हो ही जाएगा एक्सेस पोर्ट पे जब आप ग्लोबली रन करोगे कमांड, तो ग्लोबली फिर सभी एक्सेस पोर्ट पे ऑटोमेटिक क्या इनेबल हो जाएगा, बीपीडीयू गार्ड और बीपीडीयू फिल्टर। समझ में आ गई बात, क्लियर है ये चीज़, इसमें किसी को कोई डाउट। अगर दोनों अप्लाई किए हैं तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, फिल्टर को। ये प्रूव करके दिखाऊं या देख लोगे, देख लेना खुद से, दोनों इनेबल करके देख लेना, बट वो पोर्ट को एरर डिसेबल में नहीं डालेगा, सिंपली डिस्कार्ड करता रहेगा बीपीडीयू को। ठीक, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं UDLD की, UDLD कैसे अप्लाई करोगे। अब मैं चलता हूँ स्विच वन पे। UDLD अप्लाई करने के लिए पहले UDLD का फीचर आपको क्या करना पड़ता है, इनेबल करना पड़ता है। यहाँ पे कमांड चलेगी UDLD इनेबल, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके आप कमांड रन करोगे UDLD इनेबल। तो ये UDLD की सर्विस क्या हो चुकी है, इनेबल हो चुकी है, बाय डिफॉल्ट क्या होती है, डिसेबल। ठीक है, अब कोई भी पोर्ट पे अगर आपने इनेबल करना है तो उस पोर्ट पे जाओ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट लाइक 0/1 पे जाना है, तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पे, UDLD पोर्ट, बस ये नॉर्मल मोड रहेगा। ये कौन सा रहेगा, UDLD का नॉर्मल मोड। अगर आपने अग्रेसिव इनेबल करना है तो आप यहाँ पे बोलते पोर्ट, और यहाँ पे बोल देते अग्रेसिव,
यूडीएलडी पोर्ट अग्रेसिव, या फिर अगर आप यूडीएलडी पोर्ट सिंपल बोलोगे तो वो नॉर्मल मोड रहेगा, अगर आप आगे क्या बोल दोगे अग्रेसिव बोल दोगे तो आपका अग्रेसिव मोड रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली ये प्रूव नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम लोगों ने देखना है तो वो लैब में देख सकते हो केबल मैनुअली कट करके, है ना? ठीक है, समझ में आ गई बात? लिख ली कमांड ये? पहले तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके क्या बोलोगे, यूडीएलडी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में बोल दोगे यूडीएलडी इनेबल, तो ये यूडीएलडी का फीचर इनेबल हो जाएगा। फिर पोर्ट पे जाना है, ये फीचर इनेबल होगा यूडीएलडी का, फिर आपने कोई भी पोर्ट पे यूडीएलडी इनेबल करना है तो आप क्या बोलोगे, यूडीएलडी पोर्ट, ये आपका नॉर्मल मोड रहेगा। अगर आप लोगों ने अग्रेसिव मोड इनेबल करना है तो यूडीएलडी पोर्ट अग्रेसिव, ये कमांड। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये यूडीएलडी था।